Hey guys, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हमारे पास है Realme का Narzo 50। अगर आप इस फोन में रिंगटोन को चेंज करना चाहते हैं, रिंगटोन पर कोई भी गाना वगैरह सेट करना चाहते हैं या फिर रिंगटोन चेंज करना चाहते हैं इस फोन की, तो कैसे करेंगे ये सब इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी फोन की सेटिंग को ओपन कीजिए। फोन की सेटिंग ओपन करते ही फ्रेंड्स आपको यहाँ कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से हल्का सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते ही आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन, तो सिंपल इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको जो मीडिया वॉल्यूम है वो आपको देखने को मिल जाता है, कॉल वॉल्यूम देखने को मिल जाता है, नोटिफिकेशन वॉल्यूम, अलार्म वॉल्यूम वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप अपने हिसाब से इनको मैनेज कर पाएंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा वॉल्यूम बटन फंक्शन, इस पर क्लिक करके आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देखेंगे, आप जब अप डाउन करते हैं अपने वॉल्यूम से तो आपका मीडियम वॉल्यूम है वो आपका कम ज्यादा होता है। इसी तरीके से आप यहाँ पे सेट कर देते हैं रिंगटोन वॉल्यूम, तो आप रिंगटोन वॉल्यूम यहाँ से डायरेक्ट कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, इसको यहाँ पे आकर चेंज कर सकते हैं। रिंगटोन चेंज करने के लिए देखने को मिल जाता है रिंगटोन, इस पर क्लिक करना होता है आपको, इसको अलाउ कीजिए। अलाउ करने के फ्रेंड्स आपको जो भी फोन की रिंगटोन्स हैं वो आपको यहाँ पे नजर आ जाती है, तो यहाँ क्लिक करा के आप उनको चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप इस फोन के अंदर अपने रिंगटोन अपने फाइल में सेट करना चाहते हैं, कोई रिंगटोन आपने डाउनलोड कर रखी है, तो उसके लिए सबसे ऊपर देखने को मिल जाता है सेलेक्ट फ्रॉम फाइल, इस पर क्लिक करना होता है। इस पर क्लिक करने में फ्रेंड्स आपके जो भी रिंगटोन हैं आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे, गाने वगैरह जो भी होंगे इस फोन के अंदर वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो सिंपल उसको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से क्लिक करना होता है, तो आपकी रिंगटोन इस तरीके से ही चेंज हो जाती है। अब देखेंगे आपके जब भी कॉल्स वगैरह आएगी तो आपकी रिंगटोन यहाँ पर बोलना शुरू हो जाती है। अब आपको नोटिफिकेशन साउंड वगैरह चेंज करना है, तो यहाँ पर देखने को मिले नोटिफिकेशन साउंड, इस पर क्लिक करा के फाइल में से सेट कर सकते हैं, और यहां से भी आप डायरेक्ट इनको चेंज कर पाते हैं। आपको नीचे देखने को मिलेगा मोर साउंड, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहां पे आप अपने साउंड को कुछ हद तक यहां पे मैनेज कर सकते हैं। आपकी डायल पे टून होती है उसको चेंज करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो यहां क्लिक करिए, अब आपकी बंद हो जाएगी। जो आपकी लॉक स्क्रीन साउंड होता है वो उसको बंद करना चाहते हैं, तो यहां क्लिक करके उसको भी बंद कर सकते हैं। स्क्रीन शॉट साउंड बंद करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। डिलीट साउंड है, टच साउंड है, ये सब आप चालू और बंद यहां पे आके कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब सेटिंग आपको देखने को मिल जाती है इस फोन के अंदर रिंगटोन की, जो कि अपने हिसाब से इनको आप मैनेज कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।